हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल द रवि टेक्निकल। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा वाटर लेवल अलार्म बनाने के लिए। दोस्तों, घर में हम पानी भरते हैं जब टंकी में, तो टंकी फुल हो जाता है और पानी बहता रहता है, हमें पता नहीं चल पाता। इससे हमारा काफ़ी पानी नुकसान होता है, इससे हमारा बिजली का भी नुकसान होता है। अगर हम वाटर अलार्म लगाते हैं खरीद कर बाजार से, तो 200 से 250 के बीच में आता है, जो कि काफ़ी महंगा पड़ जाता है। मैं आपको सस्ता तरीका बता रहा हूँ, जो कि आप 20 रुपए में वाटर अलार्म बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से, वो भी आप खुद अपने घर पर। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आता है तो, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, ये है बजर, जो कि 20 रुपए में मिल जाता है मार्केट में, ठीक है। स्टेबलाइजर में लगा होता है या कहीं भी ऐसे जगह लगा होता है तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बीप आवाज़ आता है, ये 6 वोल्ट से 12 वोल्ट तक काम करता है। तो हम क्या करेंगे, ये के चाहिए और तार चाहिए, जहाँ भी आप इसको लगाएंगे और जहाँ पे आपका टंकी है उतनी दूर तक वायर चाहिए, ठीक है। ये वायर हमें तो चाहिए। उसके अलावा इसको चलाने के लिए एक हमें चार्जर चाहिए। ये चार्जर है मेरे पास पड़ा हुआ था, तो आप चार्जर ले सकते हैं या बैटरी ले सकते हैं या जो भी आपके पास डीसी वोल्ट जो भी है 5 से लेकर 12 वोल्ट तक, वो आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरे पास ये है और ये है, इससे हम बनाना सीखते हैं। और चेक करने के लिए पानी है मेरे पास, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट फिर से आपसे कर रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह का टेक्निकल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम देख रहे हैं बजर है, ठीक है। इसमें दो वायर है, एक रेड है और एक ब्लैक है। रेड वाला प्लस होता है, ब्लैक वाला माइनस होता है, तो आपको सबको पता ही होगा। और ये चार्जर है, ठीक है। चार्जर में भी वैसे ही है, जो डीसी वोल्ट हमारा आ रहा है, जिससे भी आप सप्लाई देना चाहते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये मैं इसमें इसको लगाऊंगा बिजली के बोर्ड में, ठीक है। वो अभी नहीं लगाता, अभी पहले इसका कनेक्शन कर लूं मैं। अब हम देखते हैं, अब ये देखिए, ये मैं वायर इसका छील लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब इसका जो नेगेटिव है, नेगेटिव को ऐसे हम जोड़ लेंगे आपस में, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं। सिंपल तरीका है दोस्तों, ध्यान से देखिए आप, ब्लैक को ब्लैक से जोड़ देंगे, ठीक है। अब बच गया दो तार हमारा, ठीक है, एक बजर का और एक हमारा चार्जर का, जहां से सप्लाई आएगा। अब उसके बाद वो वाला तार लेंगे जो हम टंकी में डालने वाले हैं, जैसे कि ये है, इसमें हम टंकी में डालने वाले हैं। आपका टंकी जहाँ भी हो, पहली मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे, जितना बड़ा हो उतना बड़ा तार लेना पड़ेगा आपको। मैं आपको दिखाने के लिए भी छोटा सा वायर लिया हूँ, आपको बड़ा तार लेना है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसे ही मैं छील लेता हूँ, ठीक है, इधर भी छील लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इधर छिला है। अब क्या करेंगे, हम एक तार इनमें से किसी को भी हम इसमें जोड़ देंगे। ये देखिए, या तो इसको इसमें जोड़ लेते हैं चार्जर वाले में, ठीक है, इस तरह से जोड़कर इस पे हम टेप मार देंगे। और उसके बाद मैं इसमें टेप मार देता हूं इसको, ठीक है। ये टेप लिया और इसको मैं इसमें ऐसे मार देता हूं, ठीक है। और उसके बाद एक तार और बच गया इसका, इसको हम इसमें जोड़ लेते हैं, इसको हम ऐसे जोड़ लेते हैं और इसमें भी हम टेप मार देते हैं, ठीक है। अभी हमारा ऐसा बन गया है। अब इसको हम किसी ऐसे डब्बे में फिट कर देंगे, ये फिट भी नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ऐसे कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, एक बार और देख लीजिए।
ये बजर है, इसका पॉजिटिव तार एक ये है और ये के है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है, चार्जर से तार आ रहा है, एक इसमें जोड़ दिया है और दूसरा तार डायरेक्ट बजर में जोड़ दिया है। बजर से जो दूसरा तार निकल रहा है वो ऐसे जोड़ दिया है, सिंपल सा तरीका आप देखिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दो तार हमारा ऐसे है, इसको हम टंकी में डालेंगे, ठीक है। कैसे, इस तरह से टंकी को खोलेंगे और दोनों तार को ऐसे डाल देंगे हम, ठीक है। जैसे पानी इसमें टच होगा, आपको तो पता ही होगा कैसे काम करता है, जब पानी इसमें टच होगा आपस में, जैसे दो वायर हैं और जैसे पानी टच, पानी में आ गया दोनों तार, अगर पानी में भीग गया तो बजर बजना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ये हम पावर को इसमें डाल देते हैं, चार्जर ऑन हो गया, ठीक है। ये देखिए आप, अब क्या करेंगे हम, ये दो जैसे पानी में आएगा तो बजर बजने लगेगा, देखिए दोस्तों, ठीक है। ये देखिए जैसे ये पानी में जाएगा ऐसे बजने लगेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों इस चैनल पे टेक्निकल वीडियो बहुत सारे हैं, जिसे आप देखकर खुद ही आप अपने घर का कोई सा भी सामान, जैसे कि स्टेबलाइजर, पंखा, प्रेस, हीटर, बिजली के कई सारे उपकरण हैं जिसे आप देखकर बना सकते हैं और सीख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों को बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।